तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन का रिव्यू। सो कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। नेटफ्लिक्स पे फ्रीडम सीजन 3 का टीजर आ चुका है, उसे मैंने देख लिया और मुझे क्या क्या पता चला है आप सभी को मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में इंट्रो लगा के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 ने हमें बड़ा नाराज किया था स्वीट होम के, बट सीजन 3 ने भाई मेरे को हिला डाला। मैंने देखा तो मैं समझ गया कि एक्शन से भरा होने वाला है और ये फाइनल सीजन होने वाला है। हाँ दोस्तों, शायद से फाइनल सीजन होगा, क्योंकि मैंने टीजर के लास्ट में देखा था उसमें फाइनल सीजन लिखा हुआ था और ये एक्शन से भरा होने वाला है। सीजन 2 की तरह ये हमें नाराज नहीं करेगा। तो हम इसकी थोड़ी कुछ बातें बताते हैं कि टीजर में मैंने क्या क्या देखा है। जैसे ही टीजर स्टार्ट होता है तो हमें सोंग वोंग दिखाया जाता है। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो जैसे ही हमें दिखाया जाता है टीजर के अंदर, तो वो स्टेडियम के अंदर जा रहा होता है। तो वो बताऊँ क्या चाहता है। जब आपने देखा होगा सीजन 2 में कि वो उससे कहता है चायुंग सू से कि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मॉन्स्टर बन जाएं और हमसे हमारे नीचे अंडर में आएं, काम करें हमें, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। वो ऐसा चायुंग सू से कहता है, बट चायुंग सू से मना कर देता है कि ये चीज़ गलत है। लेकिन फिर वो स्टेडियम में जा रहा, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चाहता है कि सारे लोग मॉन्स्टर बन जाएं और वो उसका यही प्लान होगा 100%, क्योंकि इसमें चायुंग सू की और उसकी फाइटें दिखाई है टीजर के अंदर। और जहां तक मैंने देखा टीजर में चायुंग सू की गैंग भी होंगी, जिसमें मतलब ह्यूमंस होंगे, मॉन्स्टर भी होंगे, और जो हमारा मतलब सैंगुंग है उसके पास भी मतलब एक सेना होगी जिसके पास ताकत होगी, और इन दोनों के बीच होगी फाइट। तो इसका मतलब होने वाला है ह्यूमन वर्सेस मॉन्स्टर। तो आप सभी समझ गए होंगे। पर एक और चीज, हमने सीजन 2 के लास्ट में कुछ देखा था जो सबसे खतरनाक बंदा दिखा रहा था, लेकिन वो टीजर के अंदर बस एक हल्की सी झलक दिखाता है चायुंग सू के पीछे खड़ा होके। क्या मतलब है उसका, उसका क्या राज है? डायरेक्टर ने ना उसके लिए कुछ अलग ही रोल सोचा हुआ है, क्योंकि टीजर के अंदर तो वो ऐसा लग रहा है कि कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको बस खाली खड़ा होने का रोल मिला है। पर मुझे लगता है कि जब ट्रेलर आएगा ना, उसके अंदर उसके बहुत सारे सीन दिखाएंगे 100% भाई, उसके अंदर सीन दिखाएंगे। जहाँ तक मेरे को लगता है यार, वो बंदा इतना मतलब अंडे से बाहर निकला है, मॉन्स्टर झुक रहे हैं और वो टीजर के अंदर कुछ कर ही नहीं रहा, खड़ा हुआ है बस चायुंग सू के पीछे। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब वो अच्छा इंसान बनेगा या बुरा, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता, क्या पता उसकी यादाश्त वगैरह चली गई हो, कुछ भी हो सकता है। और भाई एक और बंदा है जिस मतलब बंदी है सॉरी, उसका नाम तो नहीं पता मुझे, बट वो चायुंग सू की दोस्त होती है जिसके मतलब पेट में से बच्चा निकलता है और वो मॉन्स्टर होता है। उसका नाम नहीं पता, पर हम उसे बच्ची कहते हैं। आपने टीजर में देखा होगा कि उस बच्ची का भी भाई बड़ा रोल होगा, क्योंकि वो लोगों को मॉन्स्टर बना रही थी पकड़ के। तो मैंने देखा था टीजर के अंदर, तो क्या पता उसका भी कोई रोल हो, क्या पता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टीजर में अभी इतना नहीं बताया। जब आएगी सीरीज जब ही पता चलेगा हमें। शायद से वो बच्ची हमारे हीरो चायुंग सू की मदद करेगी उसे मतलब मॉन्स्टर से लड़ने में। देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल आएगा। फाइनल सीजन है तो जहाँ तक भाई मैं जानता हूँ हीरोइज जीतते हैं, पर कुछ पता नहीं, क्या पता विलन जीते और कोई नया ट्विस्ट आ जाए। मुझे बहुत उम्मीद थी ली डूयुंग से, बट वो तो टीजर में भाई दिखाई नहीं, ट्रेलर में देखेंगे या फिर सीरीज में ही देखेंगे, पर वो फाइटों में भी ज़्यादा नहीं दिखाए, भगवान जाने क्या होता है। चलो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही के ड्रामा और एनिमे कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर जाके पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाना है। तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।